हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बोट नेक का न्यू डिजाइन। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बुकरम को डबल फोल्ड किया है जो लंबाई में 7 इंच और चौड़ाई में 5 इंच है। तो नेक की चौड़ाई हम 4 इंच रखेंगे और लंबाई में 3 इंच। तो इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर कॉर्नर से हम जो हमारा कॉर्नर है वहाँ पर से 1.5 इंच पर हम इस तरह से निशान बनाते हुए शेप देंगे। इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा बोट नेक डिजाइन है, इसमें हम शेप को एकदम राउंड भी नहीं देंगे। अब इस तरह से 3.5 इंच लंबाई करके डबल फोल्ड करके एक निशान बीच में लगा दिया है और 1 इंच का यहाँ पर 1 इंच की हम गहराई देंगे और इस तरह का ये राउंड शेप हम गले में देंगे। अब हम यहाँ पर से 1.25 इंच पर निशान लगाते हुए गले की फिनिशिंग का शेप देंगे। देखिए पूरे में हमने 1.25 इंच का निशान लगा लिया है। अब हम सारे निशानों को इस तरह से मिलाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे जैसे हमने निशान लगाया है उन्हीं निशानों पर हम नेक की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो नेक का शेप है कुछ इस तरह से आएगा। अब हम इसे इस तरह से कपड़े में पेस्ट कर लेंगे और जो हमने नीचे शेप दिया है उसके बीच से जो निकला है उसे भी हम कपड़े में पेस्ट लगेंगे कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे भी पेस्ट कर लिया है और इसे भी हम इसी शेप में चिपका देंगे बाद में। अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड हम बिल्कुल फिनिशिंग से करेंगे क्योंकि ये जो हमारा नेक है वो पलट के आगे की ओर आएगा। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। गले के हमने सेंटर में कट लगा दिया है और जो हमारा सूट है फ्रंट हिस्सा है ये हमारी रॉन्ग साइड है, इसमें हमने सेंटर में क्रीज बना रखी है। उसी क्रीज में हम नेक को सेंटर में रखते हुए एक लंबी सिलाई लगा देंगे ताकि हम जब नेक अपना सिलें तो इधर उधर ना खिसके, सिलने में आसानी हो। अब हम बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे जिस तरह से हमने नेक की कटिंग की है उसी तरह से बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम जो हमारा बीच का कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। सिलाई से करीब 1/2 इंच छोड़ते हुए हम कटिंग करेंगे और इस तरह से यहाँ पर भी हम कट कर लेंगे। अब इस तरह से हम छोटे छोटे कट लगा देंगे पूरे नेक में। ध्यान रहे ये कट लगाते समय सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हम इस तरह से नेक को पलटा लेंगे और जहाँ पर कोने हैं वहाँ पर कैंची की नोक की मदद से इन कॉर्नर को निकाल लेंगे।
अब हम बिल्कुल किनारे किनारे एक सिलाई पट्टी लगा देंगे। बिल्कुल किनारे किनारे बराबर में फिनिशिंग के साथ सिलाई लगेंगे। फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाने से हमारे नेक की खूबसूरती बढ़ जाती है। ये देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जो बीच के लिए ये बनाया था इसे हमने पेस्ट करके रखा हुआ है और अब हम इसे नीचे से कपड़ा लगाते हुए जितने में हमारा बुकरम है उससे एक पैर की सिलाई छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल बुकरम के किनारे हमने सिलाई नहीं लगाई है, एक पैर छोड़ते हुए हमने सिलाई लगाई है। ये देखिए सिलाई लगा ली है। अब हम जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे, सिलाई से थोड़ा दूर हम इसे कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है। अब हम इसे अपनी नेक में लगाएंगे और हमने देखिए यहाँ पर छोटे छोटे स्क्वायर कट के दो अलग अलग टुकड़े बना रखे हैं, इनका भी हम इस्तेमाल नेक में करेंगे। अभी आपको दिखाएंगे वीडियो में आगे। ये देखिए फ्रेंड्स इसे हम इस तरह से रखते हुए सबसे पहले ऊपर हम ऐसे इसमें ऊपर सिलाई लगा लेंगे ताकि ये जॉइंट हो जाए इसमें। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे सिलाई लगा ली है। अब हमने ये स्क्वायर कट जो टुकड़े थे उन्हें ट्रायंगल शेप बनाते हुए इस तरह से अपने जो हमने नीचे शेप दिया हुआ है नेक में उसमें इस तरह से उठाते हुए उसको इस तरह से रखते जाएंगे। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो हमने ट्रायंगल से ही बना रखे हैं इनको यहाँ पर सेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि सारे हमने बराबर रखने पड़ेंगे। ये देखिए हमने इन्हें बराबर रख लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत सा शेप बन के आ गया है।
एक्स्ट्रा कपड़े के हम यहाँ कटिंग कर लेंगे। अब हम इस तरह से दोनों कलरों को एक के ऊपर एक रखते हुए मिला के इस तरह से जो हमारा नेक है उसके ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। फिर हम ये देखिए हमने तीन रखे हुए हैं, इसी तरह से तीन ट्रायंगल से बना के हम दूसरी ओर भी रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा नेक डिज़ाइन पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब यहाँ पर भी हमने तीन और ट्रायंगल शेप बना के इस तरह से रखनी है बिल्कुल बराबर में। हमने इस तरह से अपना नेक लगभग तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा नेक बनके तैयार हो गया है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।